ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में मादा टाइगर दुर्गा के 3 नन्हे शावकों को पहली बार खुले बड़े बाड़े में बाहर निकाला गया है और इसी के साथ 3 नन्हे शावकों का क्या नाम रखा जाए इसको लेकर जू प्रबंधन ने नाम आमंत्रित किए हैं, लेकिन सैलानियों ने भी ऐसे नाम सुझाए हैं जिन्हें सुनकर मध्य प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शावकों के नामकरण की रेस में सैलानियों ने ज्योतिरादित्य, शिवराज और जयभान के साथ ही इमरती, साधना, सुमन और समीक्षा जैसे नामों को दौड़ में शामिल करा दिया है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर चिड़ियाघर में परंपरा के मुताबिक आने वाले सैलानी टाइगर के नन्हे शावकों के नाम लिखित में बताते हैं। प्रबंधन उन सभी नामों को कलेक्ट कर लकी ड्रॉ के जरिए बाहर निकालता है, लेकिन इस बार जू प्रबंधन के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि सैलानियों ने यूं तो दर्जनों नाम जू प्रबंधन को सुझाव में बताए हैं, लेकिन एक नर और 2 मादा शावकों के नाम मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेताओं के भी लिख दिए। सबसे पहले आपको उन नामों से परिचय कराते हैं जो नामकरण की दौड़ में शामिल हो गए हैं। नर शावक के लिए शिवराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विधानसभा अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री जयभान सिंह पवैया, पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र सह प्रभारी। 2 मादा शावकों के लिए इमरती देवी, पूर्व मंत्री समीक्षा गुप्ता, पूर्व महापौर सुमन शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेत्री और महापौर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी प्रत्याशी। साधना सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी। इसमें जो है नाम जो है जैसे जो है कुछ राजनीतिक जो है नेताओं के जो राजनेता हमारे देश के जो पॉपुलर जैसे जो है यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि नाम जो है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ज्योतिरादित्य जो है सिंधिया जी का नाम लिखा हुआ है जो है और शिवराज चौहान जी का नाम लिखा हुआ है जो हमारे जो है मध्य प्रदेश के जो पूर्व जो सी एम जी रहे हैं और हमारे जो देश के जो है जो यशस्वी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी उनका भी जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और जयमान सिंह का भी नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी सैलानी जो बहुत ही रोचक नाम है और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अपने 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 आप में एक जो है बहुत ही काल्पनिक। मेरा नाम जो है दिनेश कुमार है, मैं जो है देखिए ये नामकरण तो जितने भी पब्लिक घूमने आई है उनके द्वारा किया गया है, उसमें किसने लिखा है कई लोग हैं वो काफी नाम आए हैं, तो जो भी नाम अच्छा लगेगा उसको अपन सजेस्ट करके। पॉलिटिकल बड़े दिग्गजों के भी नाम इसमें लिख दिए हैं, ये तो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए थे उनके द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, अभी तो आइडिया नहीं है कि किसने ये नाम लिखे। किस तरह के नाम है, कौन कौन से बड़े फेमस नाम है जो राजनेताओं में चर्चाओं में? अब ये तो आपको दिख रही है काफी बड़ी लिस्ट है और उसमें बहुत सारे नाम दिए हैं, जो अच्छा नाम होगा उसको अपन है ना निकालेंगे। सैलानी तो नाम लिख कर चले गए, लेकिन सुझाए गए इन नामों के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का नामों को लेकर कहना है कि निश्चित रूप से लोग अच्छा काम करते हैं तो अच्छे रूप में उन्हें याद भी करते हैं। निश्चित रूप से लोग अच्छा काम करते हैं तो लोग अच्छे रूप में उनको याद करते हैं। निश्चित रूप से लोग अच्छा काम करते हैं तो लोग अच्छे रूप में उनको याद करते हैं। वहीं कांग्रेस इन नामों के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सैलानियों ने जो नाम सुझाए हैं उनमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। जनता इन नेताओं से त्रस्त हो चुकी है, वो चाहती है कि ये सभी नेता अब चिड़ियाघर में बंद कर दिए जाएं। नहीं, जनता स्पष्ट संदेश दे रही है कि इनको बाहर छोड़ना ठीक नहीं है, ये लोग चिड़ियाघर में ही ठीक रहते हैं, क्योंकि टाइगर हो या शेर हो है तो आखिर जानवर ही, और ये देखा जाए तो हिंसक जानवर हैं, ये किसी को भी खा जाते हैं, तो जनता को एक डर है कि आप अंदर रहिए या कहीं जंगल में रहिए, जनता से दूर रहिए, आप सीमेंट खा जाते हैं, सरिया खा जाते हैं, रोड खा जाते हैं, पुल खा जाते हैं, शौचालय खा जाते हैं, बिल्डिंग खा जाते हैं, तो जनता इनसे बहुत त्रस्त हो चुकी है और जनता चाहती है कि ये चिड़ियाघर के अंदर ही रहे। टाइगर एक हिंसक जानवर होता है, ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी नेता भी जनता के लिए हिंसक हैं। जनता ने नाम लिखकर इन नेताओं की सही जगह दिखाई है। बहरहाल आपने देखा भी होगा कि जब नेताओं का अपने इलाके में दौरा होता है तो कई बार उनके फोटो के साथ
टाइगर का फोटो लगाया जाता है। आया आया शेर आया जैसे नारे भी ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेताओं के आने पर लगाए जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि टाइगर के शावकों की नाम की रेस में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम भी दौड़ में शामिल हैं। ग्वालियर से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।